कोलकाता के आरजी कार अस्पताल में लेडी डॉक्टर से रेप और मर्डर के आरोपी संजय रॉय का केस अब तक कोई भी वकील लड़ने को तैयार नहीं था। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के वकील अजय प्रकाश सिंह ने इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी है। सिंह ने कहा है कि अगर संजय रॉय के परिवार की तरफ से उन्हें संपर्क किया जाता है तो वह अदालत में उसका पक्ष रखने के लिए तैयार हो सकते हैं। एसपी सिंह का नाम पहले भी विवादों में रहा है। वह 2012 में निर्भया गैंगरेप मामले में आरोपियों की पैरवी कर चुके हैं, जिसके लिए उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। सिंह ने उस वक्त निर्भया के चरित्र पर भी सवाल उठाए थे, जिससे उनका बयान विवादों में आ गया था। इसके अलावा वह 2020 के हाथरस गैंगरेप मामले में भी आरोपियों का पक्ष रख चुके हैं। एसपी सिंह ने कहा कि आरोपी को भी वकील रखने का अधिकार है। उन्होंने कहा, केस तो लड़ना होगा, बिना लड़े कैसे आगे बढ़ेगा? अगर आरोपी को डिफेंस का मौका नहीं मिलेगा तो उसे न्याय कैसे मिलेगा? सिंह ने आगे कहा कि समाज में इस तरह के अपराधियों के लिए भी कानूनी प्रक्रिया का पालन जरूरी है, चाहे उनके अपराध कितने भी गंभीर क्यों ना हो। जब उनसे पूछा गया कि क्या वह संजय रॉय का केस लड़ेंगे तो सिंह ने कहा, अभी तक कोई भी संपर्क नहीं किया गया है, अगर परिवार वाले संपर्क करेंगे तो उस वक्त देखा जाएगा। एपी सिंह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और उन्होंने देश के कई चर्चित मामलों में पैरवी की है। कोर्ट के अंदर उनकी कानूनी दलीलें जितनी चर्चित हैं, उतने ही विवादास्पद उनके बयानों ने भी उन्हें सुर्खियों में रखा है। इस मामले में एपी सिंह की प्रतिक्रिया ने एक बार फिर से न्याय प्रणाली में आरोपी के अधिकारों और समाज की भावनाओं के बीच के संतुलन पर बहस छेड़ दी है।